बड़ी खबर इस वक्त की कैसरगंज से। भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के तेज रफ्तार गाड़ियों के काफिले ने तीन लोगों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य महिला की हालत नाजुक है, प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हादसा करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग पर छतईपुरवा स्थित वैकुंठ डिग्री कॉलेज के करीब बुधवार की सुबह हुआ। दुर्घटना के बाद स्कॉट में चल रही फॉर्चूनर गाड़ी छोड़कर मौके से भागे, बाकी लोग खड़े हुए। सूचना मिलते ही मौके पर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर विरोध के साथ साथ आक्रोशित लोगों ने गाड़ी फूंकने की कोशिश भी की। हादसे के बाद कटरा बाजार, परसपुर, कौड़िया व करनैलगंज थाने की पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ करनैलगंज व सीओ सिटी के सामूहिक प्रयास और मुकदमे के आश्वासन के बाद आक्रोशित ने जाम हटवाया। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र और भाजपा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के भारी भरकम काफिले में चल रही पुलिस स्पोर्ट फॉर्चूनर गाड़ी ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। निंदूरा निवासी रेहान खान 21 वर्षीय और शहजाद खान 20 वर्षीय ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं सड़क के किनारे जा रही छतईपुरवा निवासी सीता देवी 60 वर्षीय को भी टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। उसे मेडिकल कॉलेज गोंडा रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि काफिला करनैलगंज से हुजूरपुर की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक सवार युवक करनैलगंज आ रहे थे। वाहनों के काफिले में सबसे आगे कैसरगंज के भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह की गाड़ी चल रही थी। काफिले में सुरक्षा कर्मियों को लेकर चल रही फॉर्चूनर यूपी 32HW 1800 भी हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के भीतर सभी एयरबैग खुल गए। वाहन नंदिनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पंजीकृत है। घटना के बाद मौके पर तनाव के हालात हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, चक्का जाम और युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए न ले जाने की जिद पर अड़े लोगों से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। काफी जद्दोजहद और मान मनोवल के बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिसके बाद मौके पर खड़ी फॉर्चूनर गाड़ी को फूंकने का प्रयास किया गया। गाड़ी पर पुलिस स्कॉट लिखा और काफिले में ये साथ चल रही थी। घटना की तहरीर मृतक युवकों के परिजनों महिला चंदा बेगम की तरफ से कोतवाली में दी गई है, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है।